हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। हाउ इज सेक्स रेशियो मेजर्ड कैसे लिंग अनुपात मापा जाता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, समझे बात। देखिए, अपने लिंग अनुपात होता क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, व्हाट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, सेक्स मीन्स लिंग, सेक्स मीन्स लिंग, रेशियो मीन्स अनुपात। तो सेक्स रेशियो क्या है, पहले तो आप ये समझिए। जब सेक्स रेशियो समझोगे ही नहीं तो मापोगे कैसे तुम, समझे बात। अगर ये तो वही बात हुआ, जिस चीज को आप समझते नहीं तो उसको जानोगे कैसे। आप किसी लड़की से मिले, आप उसको समझोगे, नाम बुझोगे, इसका फलाना नाम है, पूजा है, आरती है, ये है, तब ना तुम उसके बारे में जानोगे। ना नाम पता है, तुम जानना ही शुरू कर दोगे। पहले तो सेक्स रेशियो जानिए क्या है। देखिए बच्चों, तो लिंग अनुपात क्या है, व्हाट इज सेक्स रेशियो। देखिए बच्चों समझिए, सेक्स रेशियो मतलब होता है लिंग अनुपात, यानी कि 1000 लड़का पर 1000 लड़के पर कितने लड़कियां होती हैं, उसे ही कहते हैं सेक्स। ध्यान दो, समझो बच्चों, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं बच्चों, इसी के रेशियो कहते हैं सेक्स रेशियो। ध्यान दीजिए, 1000 मेल पर, 1000 मेल पर, मेल मतलब पुरुष, 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, व्हाट फीमेल है, मतलब 1000 मेल पर 1000 पुरुष पर, पुरुष मतलब मेल मतलब नर, 1000 नर पर, मतलब इंसानों की बात कर रहे हैं, नर मतलब वो आपको समझना कि अलग जानवर। बच्चों हम किसकी बात करेंगे, इंसानों की बस्तियों में। ध्यान दो, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ह्यूमन बींग में 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं। दिस रेशियो इज नोन एज सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। समझाया, सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, क्लियर कट बात कहता हूं। देखो, 1000 नर पर, मतलब लड़कों पर, या कह लो तुम पुरुषों पर, कितनी महिलाएं हैं, या कितनी बच्चों लड़की है, समझे, उसे ही कहते हैं सेक्स रेशियो। अगर आपसे कोई पूछे लिंग अनुपात क्या होता, बोलेंगे सर सिंपल, तो सिंपल समझिए, बिहार का ही दो ले लो, बोला पूरा बिहार का जनसंख्या मान लो जितना है, मान लेते हैं 13 करोड़, कितना है 13 करोड़ या 12 करोड़, जो भी है, 12-13 करोड़ है जनसंख्या, है भी बढ़ रहा है, दिन दुगुना रात चौगुना जनसंख्या, तो लॉकडाउन में और बढ़ रहा है, आपको पता होगा। तो बच्चों क्या होता है, तो पूरा बिहार में गिनेंगे कितना पुरुष है, कितना गिनेंगे पुरुष, मान लेते हैं कि 10 लाख मान लो जनसंख्या, मान लो एक बात बता रहे हैं, 10 करोड़, कितना 10 करोड़ मान लिया कि 7 लाख क्या है बच्चा, बोलो 7 लाख क्या है, पुरुष है, कितना है 7 लाख पुरुष, तो ऑटोमेटिक महिला कितनी होगी, 3 लाख होगा ना, 3 लाख होगा ना, आप गुना 100 कर देना, कितना कर देना 100, तो ऐसे ही उतना परसेंट, उतना प्रतिशत हो जाएगा बच्चों। प्रतिशत निकालने के लिए जितना पुरुषों का टोटल देना, इसको कितनी महिला है, अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करना, कितना 100 से गुना, मतलब फलना उतना परसेंट, मतलब सेक्स रेशियो है। जैसे बच्चों देखिए, बात करें बिहार में तो सेक्स रेशियो कम है, 1000 लड़कों पर बहुत कम लड़की है, समथिंग बच्चों, क्योंकि सेक्स रेशियो बदलते रहता है, हर एक जनगणना होती है 10 सालों पर, जनगणना कितने सालों पर होती है, 10 सालों, जैसे 1 में हुआ, 11 में, फिर 21 में, 31 में, 41 में, ठीक है, 51 में, प्रत्येक 10 सालों पर जनगणना होती है। जनगणना में हम सब कुछ काउंट करते हैं, कितना पॉपुलेशन है, कितनी मेल है, कितनी फीमेल है, सेक्स रेशियो, पुरुष की जनसंख्या बटे महिला की जनसंख्या बटे पुरुष की जनसंख्या, बोले में 100, बोला ना कैसे मापते हैं, मापते हैं ऐसे, टोटल जितना जनसंख्या होगा पुरुष का लिखा नीचे में, ऊपर में तुम पूरा स्त्री की जनसंख्या लिख देना, अब गुने किसे कर देना 100 से, तब जाकर के वो जो रेशियो आएगा ना, वो कहलाएगा सेक्स रेशियो। क्या कहलाएगा, सेक्स रेशियो प्रतिशत में, ठीक है बच्चों, लिखना कि पहले लिखना इसका आंसर क्या होगा, लिंग अनुपात होता है 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं किसी राज्य के अंदर,
वह उस राज्य का क्या होगा, सेक्स रेशियो। फिर इसको मापने का तरीका है कि उस राज्य में टोटल लड़कियां बट्टे टोटल पुरुषों ने 100। इस तरह से बच्चों आप सेक्स रेशियो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, सबसे अधिक सेक्स रेशियो कहां पे, केरला में। कहां पे है, केरला में। भले लड़की काली काली होती है, ब्लैक होती है, बट लड़की की संख्या बहुत है। समझे बात, क्या बोले, लड़की की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 1086 लड़की है 1000 लड़का पर, लड़की ज्यादा है, लड़का क्या है, अगर 1000 लड़का की बात करो तो 1086 लड़की है, लड़की ज्यादा है। तो क्यों है ऐसा कारण बताओ, क्योंकि पढ़ा लिखा राज्य हो, क्या है, पढ़ा लिखा राज्य, वो एजुकेटेड। केरला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, केरला। समझे बात, क्या बोले बताओ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, केरला है। सबसे बेसी मसाला कहाँ होता है, केरला में। सबसे ज्यादा रबर कहाँ होता है, केरला में। सबसे लिंग अनुपात कहाँ, केरल। इस सब केरल में है बच्चों, ठीक है। सबसे रबर कहाँ होता है, केरल में होता है बच्चों। ऐसे इस तरह से बच्चों आप सेक्स रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं। तो सेक्स क्या होता है, लिखिए, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, इसी अनुपात को हम लोग लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो क्या कहते हैं बच्चों, सेक्स रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, व्हाट फीमेल, दिस रेशियो इज नोन एज सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। ठीक है बच्चों, बढ़े। और इसको मापने का तरीका होता है, क्या मापें, कैसे मापेंगे बच्चों, नीचे में क्या लिखेंगे, फिर समझ, नीचे में लिखेंगे हम क्या, महिलाओं की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या, बोलो।